हेलो दोस्तों, मेरी फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीलॉग है मेरी लाइफ का। और क्या बोलूं, बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। और मेरा प्लानिंग है कि इस वीडियो के अंदर आपको इंडिया के कुछ नज़ारे आप लोगों को दिखाए जाएँ। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में आया हूँ घुमाने के लिए। लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपनी बेटी को लेकर पार्क में आया हूँ। तब ये केवल घुटनों से चला करती थी, तब मैं इसे पार्क में लेकर आया था और आज मैं दोबारा से इसको पार्क में लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खुश है, खेल रही है। मायर इधर देखो, ये देखो कौन है, सबको बाय बाय करो, हाय करो सबको, सॉरी सबको हाय हाय करो हाय करो करो हाँ, बोलो अंकल हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बोलो बोलो हमारा दोस्तों मोस्टली आपने देखा होगा लोग इंडिया से बाहर जाने के बाद वो बाहर के बहुत ज़्यादा फोटो और वो वीडियो अपनी शेयर करते हैं व्लॉग के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं कि पता नहीं वो शो ऑफ करते हैं क्या होता है कि इंडिया का तो कुछ दिखाते ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी प्लानिंग ये है कि हम इंडिया के बारे में लोगों को बताएं और बताएं कि इंडिया कितना खूबसूरत है, हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे शुरू में। तो उसके बाद फिर मौका लगा तो इंडिया से बाहर भी जाएंगे, ठीक है। प्लानिंग मेरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन इंडिया में जो हमारी अच्छी लोकेशन हैं उन सब लोकेशन को मैं आप लोगों को दिखाऊं। फिलहाल तो मैं गुड़गांव के अंदर रहता हूं और यहां पर हम सेक्टर 1 IMT मानेसर में रहते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं। ये मेरी छोटी सी बेटी है जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है और मेरा नाम ज़रूर याद रखना, मेरा नाम मुदस्सर अहमद खान है। तो फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों मेरा ये, इसमें कुछ गलतियाँ ज़रूर होंगी, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उन गलतियों के लिए मैं अभी से ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिला तो धीरे धीरे जर्नी बढ़ती जाएगी और मुझे ही बोलने में आसानी होगी। फ़िलहाल तो आपको लग ही रहा होगा कि मैं कितना डिफ़िकल्ट सा मुझे लग रहा है बात करने में, लेकिन धीरे धीरे फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, थोड़ा खेल लेते हैं इसके साथ में, फिर मैं आपको अपना घर दिखाऊँगा। हैं भाई कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आज मायरा कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम, कोरोना के बाद नहीं जब से लॉकडाउन लगा है तब से आज फर्स्ट टाइम पार्क में आई है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। मेरा छोटा सा लाडला अभी केवल ये 1 साल 7 महीने का हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खुश है ये पार्क में आके। हाँ मायरा, आप पार्क में आके खुश हो? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? देख के ध्यान से चलो भाई। मायरा पार्क में आके कैसा लग रहा है जल्दी बताओ, कैसा लग रहा है आपको पार्क में आके? कौन कौन से गेम खेले आपने यहाँ पर, कौन कौन से गेम खेले हैं? अच्छा ऊपर बैठना है, चलो भाई बैठ गया भैया। मायरा तो बैठ गया। किसकी आवाज़ आ रही है, हवाई जहाज की आवाज़ आ रही है मायरा? कौन कौन से गेम खेले आपने जल्दी बताओ, सबको बताओ, मम्मी को बताओगे जाके आप घर पे कौन कौन से गेम खेले मायरा? हैं जल्दी बताओ क्या क्या किया आपने यहाँ पे? हाँ बाय कर दो बाय। कहाँ किसको बाय कर रहे हो आप, किसको बाय कर रहे हो? चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं, मायरों को यहाँ खेलते हुए बहुत टाइम हो गया है, पार्क में एक डेढ़ घंटे से खेल रही है। अब हम घर चलते हैं, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। बाय बाय करो, बाय बाय इधर बाय बाय करो, बाय 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 बाय। क्या क्या गेम खेला आपने मायरा, मम्मी को जाके क्या बताओगे आप, क्या खेल के आए हो? सबको बाय बाय करो मायरा, सबको बाय बाय करो, बाय बाय। मेरा छोटा सा क्यूटू सा बच्चा, प्यारा सा एकदम। आपने इस पार्क में क्या क्या किया मायरा? हाँ क्या क्या किया आपने इस पार्क में, क्या क्या खेला आपने? दोस्तों ये मेरी बिल्डिंग है जहाँ मैं रहता हूँ, Sector 1 IMT मानेसर में। ये 7th फ्लोर की बिल्डिंग है लेकिन है बहुत खूबसूरत। ये हमारे सिक्योरिटी वाले अंकल और ये हमारा बिल्डिंग एरिया। हम आ गए हैं बिल्डिंग के अंदर, चले चलते हैं 5th फ्लोर पे। मैं यहाँ रहता हूँ 5th फ्लोर पे। आई होप हम लोगों ने आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा
आ गए हम अपने फ्लोर पे जहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ। अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है इसलिए पूरा फ्लैट ये गंदा करके रखती है, साफ नहीं रखती है। मेरी वाइफ है अल्फिशा और ये देखिए क्या हालत इसने इस घर की करी हुई है मायरा ने। बाहर खेलने क्या? ये हमारा किचन, सबसे पहले हम खा लेते हैं खाना। ये देखिए जितने भी बर्तन हैं ये हमने सब ऊपर रखे हुए हैं। बेसिकली क्या है, जितने भी नीचे की कबर्ड्स हैं वो सारी खाली हैं क्योंकि मायरा जो है सारा का सारा सामान बाहर निकाल के फेंक देती है, इसलिए इसके इससे हमें डर लगता है। ये देखिए सब कुछ खाली है, सारे के सारे आपको खाली मिलेगा और सारे बर्तन हमें ऊपर रखने पड़ते हैं क्योंकि मायरा सारे बर्तन निकाल के ले जाती है और ले जाके फिर तोड़ देती है। तो जब से मायरा हुई है सब सामान हमारा ऊपर रखा हुआ मिलेगा आपको। लो जी भाई साहब, घर में आते ही मिल गई पाव भाजी, और क्या चाहिए, साथ में पाव भाजी मजा ही आ जाएगा बस आज तो खाने में। पाव भाजी तैयार है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें नींबू और जाएगा थोड़ा सा बटर। अब लेते हैं इस खाने का मजा जबरदस्त तरीके से। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं इंडिया की। फिलहाल तो गुड़गांव पर ही फोकस करेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली इंडिया सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाय बाय।